किसान भाइयों नमस्कार। दशहरा गया, दिवाली भी बीत गई, अरे भाई अब तो देव उठनी ग्यारस भी बन गई। अब क्या, बहुत गूजे पपड़िया खा लिया आपने घर में, अब तो काम पर जाओ, खेत नहीं जाना है क्या? अरे भाई मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि अब तो रवि फसल का मौसम आ चुका है, अभी सही समय है कि हम रवि की प्रमुख फसलों की चिंता करें, उसके बारे में सोचें। शरद ऋतु के आगमन के साथ ही जैसे हम अपनी फसल उत्पादन के बारे में सोचते हैं, उसकी देखभाल के बारे में चिंता करते हैं, वैसी ही चिंता होती है फल वृक्षों की देखभाल विषय में। आप भी अगर शीत ऋतु में फल वृक्षों की देखभाल किस तरह करें उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज इस कार्यक्रम में मैं इस विषय पर ढेर सारी जानकारियाँ आपके लिए लेकर आई हूँ। लेकिन पहले आपको दिखाई देती हूँ खबरें खेती की और देखेंगे आज क्या रहे मंडी के भाव। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। 585 मंडियों में कचरा प्रबंधन किया जाएगा। प्रदेश में रबी बुआई की अच्छी प्रगति। चने में खरपतवार नियंत्रण। उन्नत तकनीकी से करें गेहूं की खेती और शीतकालीन सब्जियों में बरतें सावधानी। सरकार 585 मंडियों को कचरा प्रबंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए 10-10 लाख रुपए देगी। सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के फंड की 1% राशि स्वच्छता अभियान के लिए निकालने का भी निर्णय किया है। गौरतलब है कि सरकार ने मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक बनाने के लिए पहले चरण में 10 राज्यों की 250 मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक ई नाम योजना के लिए एकजुट किया है। इस वर्ष प्रदेश में अच्छी बारिश का लाभ रबी फसलों की बुआई में मिल रहा है। खेतों में पर्याप्त नमी होने से किसान रबी फसलों की बुआई में जुट गए हैं। कृषि संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक 9 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की बुआई की गई है, जो पिछले साल की समान अवधि में 5 लाख हेक्टेयर थी। इसमें सबसे अधिक बुआई 4 लाख हेक्टेयर चने की गई है। गेहूं की बुआई अभी मात्र 2 लाख हेक्टेयर में हुई है। इस साल प्रदेश में सर्दी जल्दी शुरू होगी। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार ज़्यादा ठंड गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद रहती है। इस वर्ष प्रदेश में 117 लाख हेक्टेयर में रबी फसलें बोने का लक्ष्य रखा गया है। सबसे अधिक 64 लाख हेक्टेयर में गेहूं बोने की तैयारी है। चना 31,65,000 हेक्टेयर में बोया जाएगा। चने की फसल को प्रारंभिक अवस्था में खरपतवारों से बचाना अति आवश्यक होता है। इसके लिए हाथ से निंदाई ज़्यादा लाभकारी रहती है। रासायनिक नियंत्रण हेतु फ्लू क्लोरेलिन 200 ग्राम सक्रिय तत्व का बुआई से पहले या पेंडी मेथालिन 350 ग्राम सक्रिय तत्व का अंकुरण से पहले 300 से 350 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। पहली निराई गुड़ाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद तथा दूसरी 55 से 60 दिन बाद आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। असिंचित एवं अर्धसिंचित अवस्था में उपयुक्त गेहूं की प्रजातियों की बोनी का यह उपयुक्त समय है। सुजाता HW 2004, अमर HI 1500 इत्यादि किस्में दोनों अवस्थाओं के लिए उपयुक्त हैं। फफूंदनाशक दवा थायरम एवं बावस्टिन से उपचारित करने के बाद जीवाणु खाद स्फुर घोलक एवं एजेटोबैक्टर कल्चर से बीज का उपचार करें। बेहतर होगा कि जीवाणु खादों स्फुर घोलक PSB एवं एजेटोबैक्टर के 10-10 पैकेट गोबर की अच्छी पकी हुई खाद के साथ मिलाकर बोनी के पूर्व खेत तैयार करते समय खेतों में डालकर भूमि उपचार करें। प्रति हेक्टेयर 100 किलो बीज पर्याप्त है। असिंचित अवस्था में उर्वरकों की पूरी मात्रा बुआई पूर्व खेत तैयार करते समय डालें। असिंचित अवस्था में नाइट्रोजन की आधी, फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा बुआई एवं पूर्व आधार खाद के रूप में शेष आधी नाइट्रोजन खड़ी फसल में 2 बार में प्रयोग करें। पहले सिंचाई 20 से 25 दिन की अवस्था में करें। शीतकालीन सब्जियों में प्रमुख रूप से फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी के क्यारियों में लगे पौधों की निंदाई गुड़ाई करें एवं उर्वरकों का प्रयोग करें। बगिया खरपतवारों से जितनी मुक्त रहेगी कीट व्याधियों का प्रकोप उतना कम होगा। सप्ताह में 1 बार कीटनाशक ट्राइजोफास 25 मिलीलीटर स्प्रेयर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। फूल गोभी में सफ़ेदी एवं चमक लाने के लिए बोरान 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इसी तरह टमाटर, बैंगन, मिर्च की फसल में निंदाई गुड़ाई एवं पौध संरक्षण उपाय अपनाएं। मिर्च एवं टमाटर की फसल में व्याधियों से सुरक्षा के लिए क्रोसिन AG 2 ग्राम प्रति स्प्रेयर पानी में घोल बनाकर कीटनाशक के साथ छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
मध्य प्रदेश की विभिन्न मंडियों में सब्जियों के दाम इस प्रकार रहे। सबसे पहले जानते हैं हरी मिर्च के प्रति क्विंटल भाव। भोपाल मंडी में न्यूनतम 400 रुपए और अधिकतम 800 रुपए। बुरहानपुर में न्यूनतम 800 रुपए और अधिकतम 1100 रुपए। सागर में न्यूनतम 800 रुपए और अधिकतम 1000 रुपए। और शाजापुर में न्यूनतम 500 रुपए और अधिकतम 1000 रुपए रहा। इसके बाद जानते हैं प्याज के प्रति क्विंटल भाव। छिंदवाड़ा में न्यूनतम 400 रुपए और अधिकतम 600 रुपए। सागर में न्यूनतम 400 रुपए और अधिकतम 600 रुपए। देवास में न्यूनतम 100 रुपए और अधिकतम 500 रुपए। और शाजापुर में न्यूनतम 200 रुपए और अधिकतम 500 रुपए रहा। अंत में जानते हैं आलू के प्रति क्विंटल भाव। रतलाम में न्यूनतम 700 रुपए और अधिकतम 900 रुपए। नरसिंहगढ़ में न्यूनतम 1000 रुपए और अधिकतम 1100 रुपए। हाटपिपलिया में न्यूनतम 800 रुपए और अधिकतम 1300 रुपए। और भोपाल में न्यूनतम 500 रुपए और अधिकतम 800 रुपए रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है, हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। तो किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद अब अपने वादे के मुताबिक आपको मैं मिलवाती हूँ डॉक्टर आरएस यादव जी से, जो आपको बताएंगे कि सर्दी की ऋतु में फल वृक्षों की देखभाल किस तरह करें। शीतकाल का समय है और इसमें जो है पाला पड़ने की भी संभावना रहती है, तो उस समय हमें विशेष रूप से अपने नवजात जो वृक्षारोपण किए हैं उनकी देखभाल करना जरूरी होता है। इसके लिए हमको किसान भाइयों को जैसे भी मौसम के अनुसार सूचनाएं मिलती हैं उसके अनुसार अपने फसलों को सुरक्षित रखना है। उसके लिए आप थाले में जो है घास फूस जो है डाल करके रख सकते हैं, जिससे पाले से बचाव होता है। इसके अलावा सिंचाई करते रहना है, सिंचाई करते रहने से अगर ज़मीन में नमी बनी रहती है तो भी पाले का प्रकोप कम होता है। इसके अलावा किसान भाइयों को जो पौधों की दो दिशाओं में, पश्चिम और उत्तर दिशा में खास की या ये कांस वगैरह की टटिया बनाकर लगा दें, ताकि जो
ठंडी हवाएं चलती हैं उनसे बचाव हो सकता है पौधों का, तो उससे भी हमारे पौधों को पाले से बचाव हो सकता है। इसके अलावा रासायनिक उसमें देखें तो थाए यूरिया जो है 500 ग्राम जो है 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर किसान भाई उसका जो है छिड़काव कर सकते हैं, उससे भी पाले से हमारी फसलों का बचाव होता है। और इसके अलावा जो नवजात पौधे रहते हैं उससे जो है नीचे से जहाँ से हम कलम या पौधा जो कलम किया होता है उसके नीचे से फुटाव होते रहते हैं, तो उस फुटाव को भी हमको समय समय से निकालते रहना चाहिए। अगर हम उसको नहीं निकालते हैं तो जो हमारा मूल वृंत है वो ऊपर बढ़ के बड़ा हो जाता है, और जो हमारा मेन जो है जिस किस्म की हम कलम या पौधरोपण किए हैं वो किस्म जो है उसकी कलम जो है ख़राब हो जाती है। तो समय समय से उसके जो है कल्ले जो निकलते हैं नीचे से उनको भी निकालते रहना चाहिए। फलदार वृक्षों में जो फलन में हैं उनकी अगर हम बात करें, अगर अमरूद लगाए हैं, आम लगाए हैं, संतरा लगाए हैं, आंवला लगाए हैं या बेर लगाए हैं, तो अगर हम अमरूद की बात करते हैं तो इस समय फलन में है अमरूद की फसल, उसमें हमको आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहना है। खाद की मात्रा अगर नहीं दी है तो उसको दे करके उसमें पानी लगाइए। इसके अलावा उसमें कीड़ों का इस समय देखने में आ रहा है कि फल मक्खी का जो है प्रकोप जो है देखने को मिल रहा है अमरूद की फसल में, तो उसके लिए निदान के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप आता है, उसको किसान भाई एक एकड़ में 4 ट्रैप लगा दें और उसके साथ ल्यूर लगा दें तो उसमें फल मक्खी के जो नर कीड़े हैं वो उसमें फंस जाते हैं और उससे काफ़ी हद तक बचाव होता है। इसके अलावा रासायनिक उपाय में अगर हम रोगर या डाइमेथोइड जो दवा आती है उसकी 30% दवा जो आती है उसका जो है 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करते हैं तो उससे भी काफ़ी हद तक इस कीड़ों से बचाव होता है। तो उसको भी हमको चूँकि इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है तो फल को हम लोग को फल मक्खी से बचाना बहुत ही आवश्यक है। तो अमरूद की फसल के लिए इस बातों का हमको किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बेर की जो किसान भाई बेर की फसल लेते हैं या बेर के जिनके पास पौधे फलन में हैं उसमें भी इस समय हम देखने में आता है कि उसमें जो है रोगों की बात करें तो उसमें पाउडरी मिल्ड्यू या भभूतिया रोग का प्रकोप होता है, तो उसके बचाव के लिए किसान भाई जो घुलनशील गंधक आती है उसका 2 से 2.5 ग्राम जो है मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से अगर घोल बनाकर छिड़काव करते हैं तो उससे बचाव हो जाता है। तो आवश्यकता अनुसार अपनी फसल का निरीक्षण करते रहें, अगर उसमें रोग लग रहा है तो उसका जो है निदान करना बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा अगर हम बेर में देखते हैं तो फल मक्खी का जो है बेर में बहुत आक्रमण होता है, तो उसके भी बचाव के लिए जो फ्रूट फ्राई ट्रैप आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ल्योर का 4 फ्रूट फ्राई ट्रैप लगा दें एक एकड़ के हिसाब से। दवाइयों का रासायनिक दवाइयों में क्लोरोपाइरीफास 2 ml प्रति लीटर या डाइमेथोइड 30% जो आती है उसका 1.5 ml आवश्यकता अनुसार 15 से 20 दिन के अंतर से अगर छिड़काव करते हैं तो फल मक्खी के आक्रमण से फल मक्खी के प्रभाव से या होने वाले नुकसान से हमारे किसान भाई उससे बचाव कर सकते हैं। जो किसान भाई संतरा वगैरह की खेती करते हैं संतरा वगैरह की फसल लगाए हैं तो उसमें भी इस समय माहू या रस चूसा कीड़ों का प्रकोप होता है, फल मक्खी का भी प्रकोप देखने को मिला है। उसके लिए भी किसान भाई रस चूसा कीड़ों का प्रकोप करके जैसे रोगर है या इमिडाक्लोरोपीड है इसका अगर स्प्रे कर देते हैं, इमिडाक्लोरोपीड जो है उसकी जो है 1 ml मात्रा जो है 70.8% की जो दवा है उसका 3 ल पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं तो रस चूसक कीड़ों से बचाव कर सकते हैं। फल मक्खी का अगर प्रकोप है तो फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा सकते हैं, डाइमेथोइड दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं 30% उसका जो है 1.5 ml प्रति लीटर घोल बनाकर छिड़काव करें तो उससे भी बचाव हो सकता है। तो ये सब चीज़ों का मुख्य रूप से हमारे फल में जो ध्यान देना चाहिए। अगर आम की फसल ले रहे हैं किसान भाई तो उसको भी देखें इस समय पानी कम से कम दें ताकि उसमें जो बौर आती है तो उसमें जो है पानी देने की जरूरत नहीं होती है, जब बौर आ जाए तो उसके बाद हमको पानी देने की आवश्यकता होती है। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब तो जीतेंगे किसान कप, किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की, गोबर की खाद में हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं,
किसान प्रश्न मंच गुरुवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हम आ रहे हैं आपके गांव। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। भारत दूध उत्पादन में विश्व में किस नंबर पर आता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे। सही जवाब दिया है। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हर गांव को शिक्षा, हर हाथ को रोजगार, सुविधाएं बुनियादी हो या हो तकनीकों की भरमार, सांसदों की देखभाल से अब बनेगा स्मार्ट गांव। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, एक अच्छी पैदावार के लिए जितना ज़रूरी होता है मिट्टी का परीक्षण, अच्छे बीजों का चयन, उतना ही ज़रूरी होता है नर्सरी प्रबंधन। फल, सब्जी या फसल के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत ज़रूरी होता है कि पौधे पोषित हों, अच्छी गुणवत्ता वाला बीज हो, उसी से हम एक अच्छी किस्म की भरपूर पैदावार ले सकते हैं। और यह तभी संभव है जब हमारा नर्सरी प्रबंधन बहुत अच्छा हो, उचित हो। आजकल के समय में नर्सरी प्रबंधन तकनीक बहुत महत्वपूर्ण साबित हो रही है। क्या है आखिर ये नर्सरी प्रबंधन और इसे किस तरह किया जाता है, इसके क्या क्या लाभ हैं, इसी के बारे में आज बहुत सारी जानकारियां, बहुत महत्वपूर्ण बातें हमें बताएंगी कृषि विज्ञान केंद्र पवार खेड़ा की डॉक्टर ऋचा सिंह। नर्सरी हमें ऐसी जगह पर बनाना चाहिए जहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था अच्छी हो, अर्थात जल भराव की स्थिति ना आती हो। सब्जियों की नर्सरी के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह भी कि हमारी मिट्टी उर्वर होना चाहिए, अर्थात ऐसी मृदा का चयन करना चाहिए जिसका पीएच मान 7 के करीब हो। साथ ही नर्सरी के लिए जो स्थल हम चयन करते हैं वहाँ पर छाया नहीं आनी चाहिए, सूरज की रोशनी का जो है भरपूर वहाँ पर आना चाहिए। अब बात आती है कि किस प्रकार हम नर्सरी की जो भूमि हमने चयन करी है उसका किस प्रकार हम उपचार करें, क्योंकि मृदा में बहुत सारे कीट व्याधियां होती हैं जो कि बीज डालने पर उस पर आ जाते हैं और हमारी फसल को संक्रमित करते हैं। सबसे मुख्य बात आती है सॉयल सोलराइजेशन, अर्थात मृदा का सौर ऊर्जा द्वारा उपचार करना। किसान भाइयों, आपने जो भी नर्सरी के लिए जगह सेलेक्ट करी है वहाँ पर आप जो है उसको अच्छा भुरभुरा बराबर करने के बाद, अच्छा पानी देने के बाद, उसमें हमें 200 गेज की पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन आती है 200 गेज, जिससे हमें उसे चारों तरफ से ढक देना चाहिए। ढकने के लिए हमें गीली मिट्टी का उपयोग करना चाहिए। यह कार्य हमें अप्रैल मई के महीने में करना चाहिए जबकि सौर्य का जो तापक्रम है सर्वाधिक 45 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। इस समय हमें जो है उस पन्नी से अपनी नर्सरी, पूरी नर्सरी को उस पन्नी से ढक देना चाहिए। उसके बाद हमें जो है वो 1.5 महीने में उसको खोलना चाहिए। ऐसा करने से इसके अंदर तापक्रम बढ़ जाता है और जो भी वीड्स, खरपतवार या जीवाणु, बैक्टीरिया होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। दूसरी उपचार विधि होती है कि हम अपनी ज़मीन को फॉर्मेलिन से उपचारित करें। फॉर्मेलिन से उपचारित करने के लिए किसान भाइयों, हमें बुआई के 15 से 20 दिन पूर्व हमें यह कार्य करना चाहिए। 1.5 से 2 ml फॉर्मेलिन को 4 से 5 liter पानी में लेकर पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से उपयोग करना चाहिए। ड्रेंचिंग इस प्रकार करनी चाहिए कि हमारी ज़मीन 15 से 20 सेंटीमीटर तक भीग जाए। इसके बाद हमें 200 गेज की पॉलीथीन से ढक देना चाहिए। उसी प्रकार से मिट्टी, गीली मिट्टी से चारों तरफ से ढक देना चाहिए और 15 दिन बाद पॉलीथीन को हटा देना चाहिए और उसमें हमें बोनी का कार्य करना चाहिए। तीसरा उपचार आता है कि किसी भी कवकनाशी के द्वारा हम अपनी मृदा का उपचार करें। कवकनाशी से मृदा का उपचार करने के लिए किसान भाइयों, हमें 5 से 6 ग्राम कोई भी कवकनाशी, थायरम, बेवस्टीन, मैनकोजेब, आप कुछ भी ले सकते हैं, पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से हमें अपनी ज़मीन से इस प्रकार से उपचारित करना चाहिए कि 15 से 20 सेंटीमीटर की गहराई तक हमारी ज़मीन उपचारित हो जाए।
एक उपचार की विधि और है जिसे कहते हैं भाप द्वारा उपचार करना। इसके लिए किसान भाइयों, जो आपने नर्सरी का स्थल चयनित किया है उसको अच्छी तरीके से सिंचाई करने के बाद पॉलीथीन से ढक दें और 4 से 6 घंटे के लिए हॉट एयर गर्म भाप को उसमें तेज़ी से बहाना चाहिए। इस विधि को अपनाने से मृदा में जो भी जीवाणु बैक्टीरिया या वीड्स होते हैं वो वहाँ पर ऊपर आकर के नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार किसान भाइयों, हम अपनी नर्सरी की ज़मीन को उपचारित कर लिए। उपचारित करने के बाद समय आता है कि किस प्रकार हम नर्सरी बेड को बनाएं। नर्सरी बेड बनाना एक कला है। किसान भाइयों, रबी के मौसम में हम नर्सरी बेड फ्लैट बेड मेथड के द्वारा समतल विधि के द्वारा बना सकते हैं, परंतु अगर हम खरीफ में बात करते हैं तो यह नर्सरी हमारी ऊंची उठी हुई क्यारी के रूप में अर्थात रेस्ड बेड मेथड के द्वारा बनाना चाहिए। नर्सरी बनाने के लिए हमें स्थल में 3 से 5 मीटर लंबाई, 1 मीटर की चौड़ाई और 6 से 8 इंच की ऊँचाई नर्सरी की साइज का रखना चाहिए। शहर से आया है ना तिवारी सेठ, वो जबरदस्ती हम किसानों की जमीन हड़पना चाहता है। रुपया चाहे ईमानदारी से कमाया जाए या बेईमानी से, रुपया रुपया होता है। ऐसा रुपया कभी रास नहीं आता बड़े भैया। आप कौन? तेरे पति का बाप बोल रहा हूँ, समझा दे उसे। अगर वो फैसिद पर अड़ा रहा ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। धरती की गोद में डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। अब आप क्या सोच रहे हैं, कल सुबह से ही जुट जाइए अपने फल वृक्षों की देखभाल के लिए और एक अच्छी सी नर्सरी तैयार करने के लिए, क्योंकि ऐसा करके ही तो आप एक सफल और समृद्ध किसान कहलाएंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी का वो सपना कि किसान भाई अपनी आय को दुगना करें, उसे सार्थक कर पाएंगे, उसको हकीकत में बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे। और किसान भाइयों, इस विषय में अगर आपको कोई शंका है या कोई प्रश्न आपके जहन में है तो आपको पता है ना आपको क्या करना है, आपको हमसे पत्र व्यवहार करना है। और पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र श्यामला हिल्स भोपाल, पिन कोड है 462013। आप मेल द्वारा भी हमें सूचित कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanbhopalmp@gmail.com। साथ ही आप हमारे कार्यक्रम को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगले सप्ताह हम कुछ नई जानकारियों के साथ हाजिर होंगे, इसी वादे के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहूंगी। नमस्कार।